सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 74वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ प्रारंभ किया था। इसमें पहला सूत्र हम देख रहे थे, प्रथम अधिकरण पहला सूत्र। तो पिछली कक्षा में से कुछ पूछना हो प्रथम अध्याय के अंत का अथवा इसका तो पूछ सकते हैं। पूछ। ओम आचार्य जी, दूसरे अध्याय का पृष्ठ संख्या 357। हाँ। भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति जी, इसमें कहा हुआ है यागादि शब्द से एते भाव, तो ये यजति ददाति जुहोति, ये यागादि शब्द भी हैं और भाव शब्द भी हैं। बाद में फिर आगे कहा कि यज्ञादि अर्थश्च अतो अवगम्यते भावयेत इति च, और तथा यजेत यथा किंचित भवति इति। तो ये जो दोनों बात कह रहे हैं कि यज्ञादि अर्थ अवगम्यते भावयेत इति च और यथा यजेत तथा किंचित भवति, ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? नहीं, वो अलग आगे दूसरे ढंग से कहा है। पहला वचन तो इनका यह है कि यागादि शब्द भी हैं और ये भाव शब्द भी हैं। कैसे हैं कि यजि आदि अर्थ भी यहाँ से पता लगता है और भावयेत अर्थ भी पता लगता है। यजेत का मतलब यागम भावयेत अथवा यागे न इष्टम भावयेत, तो यागम या यागे न, ये तो याग आ गया हमारे को यजेत में, ठीक है, और भाव आ गया इसमें इष्टम साधयेत या इष्टम भावयेत इष्टम कुरियात इत्यादि, वो भाव वहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यजेत में यजी भी कहा जा रहा है, याग भी कहा जा रहा है और भावना भी कही जा रही है, ये बात हो गई। अब इसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि ये भाव शब्द क्यों है, ये भाव शब्द क्यों है, इसको सिद्ध करने के लिए कि यथा तथा यजेत यथा किंचित भवति इति। पूर्व पक्षी ने इनको ये कहा था ऊपर कि ये शब्द तो ननु याग दान होम शब्द एते न भाव शब्द, तो केवल ये भाव शब्द नहीं है, ये केवल यागदान होम शब्द है, नाम शब्द है, ऐसा जो कहा था। यद्यपि आगे कह दिया कि इसमें दोनों हैं, तो याग आदि हैं ये तो खैर पता लग ही रहा है, भाव कैसे है उसको और दूसरे ढंग से सिद्ध कर रहे हैं अभी। कैसे कि उस तरह से यजन करे जिससे कि कुछ हो जाए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, तो इसमें करना आ गया ना, इस तरह से याग करे तथा यजेता उस तरह से करे जिससे कि फल की प्राप्ति हो, तो यहां पर क्रिया आ गई, भाव आ गया। तो तेन एते भाव शब्द, इससे ये भाव शब्द है, तो भाव को बताने के लिए ये कहा गया है, केवल केवल भाव को बताने के लिए, ठीक है। हाँ आचार्य जी, यहां पर जो पहली बात कही कि यदि यज्ञाद्यर्थश्चातो गम्यते भावयेत इति, तो जैसे उसको यजेत को हम यागम भावयेत के द्वारा खोल सकते हैं, मतलब हाँ। उसको अर्थ बता सकते हैं, परंतु यजेत को ऐसा अर्थ तो नहीं, यजेत को नहीं खोल सकते यजेत, ठीक है, यागम कुरियात खोल सकते हैं हम उस तरह से, यागम कुरियात यागे ने इष्टम भावयेत खोल सकते हैं उस तरह से खोलने को तो हाँ। लेकिन ये जो दूसरा वचन कहा तथा यजेत यथा किंचित भवती थी, ऐसा तो यजते अथवा यजेत कहने पर ऐसा अर्थ तो नहीं आता? ये नहीं, ये तात्पर्य है कि जब हम कहें कि यजेता और स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता ऐसा कहा, तो यजन करे, अब चूंकि कोई ना कोई फल प्रयोजन तो होता ही है, तो ये उस तरह से करे कि कुछ हो जाए, कुछ फल निकले इसका, ये तात्पर्य वहां छुपा हुआ है। वो क्या होना चाहिए, तो स्वर्ग काम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ करे, तो केवल इससे क्रिया को बताना चाहते हैं, ये मुख्यता है। तो यजेत ये जो भाव है इसके लिए भाव शब्द कहा, और आगे द्रव्य गुण शब्देभ्यो, द्रव्य गुण प्रत्यय न भाव भावनाया, दूसरे जो पक्ष में बचे द्रव्य गुण शब्द है उससे द्रव्य गुण का ज्ञान होता है, भावना का नहीं होता है, यजेत में भावना का होता है ऐसा, यद्यपि द्रव्य भी वहां पर छुपा हुआ है लेकिन उसको भाव शब्द कह दिया उन्होंने, भावना का वहां से होता है और इनका
द्रव्य गुण का ज्ञान होता है, भावना का नहीं होता है। अतस्तेन भाव शब्दाः इति, ये भाव शब्द नहीं है। जी आचार्य जी, और दूसरा प्रश्न है भाष्य की जो सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ था, किम तावत प्राप्ति अविच्छेण, तो इसमें अविशेषण है, ये उसके लिए कह रहे हैं कि जो पहले है या द्रव्य गुण शब्द है, तो ये दो शब्द के विषय में चर्चा चल रही थी, तो किम तावत प्राप्तम, तो कहते हैं अविशेषण मतलब भाव शब्द और द्रव्य शब्द दोनों से ही धर्म का कथन होता है, धर्म का कथन होता है, सब शब्दों से होता है। हाँ, कि भाव शब्द पे होता है, द्रव्य गुण शब्द पे है, तो अविशेषण ठीक है। हाँ, और इसमें आचार्य जी, हाँ, इसमें गुण शब्द लेंगे या नहीं लेंगे? गुण शब्द लेंगे ना, अविशेषण में गुण शब्द भी आया। हाँ, द्रव्य गुण शब्द सभी, द्रव्य गुण और भाव शब्द क्रिया शब्द तीनों, नाम शब्द द्रव्य और गुणवाची होंगे जी, नाम शब्द द्रव्य गुणवाची होंगे और आख्यात शब्द क्रियावाची होंगे, तो सबको ले लिया इन्होंने। हाँ, ठीक है। पूछे द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 355। हाँ, इसका भाष्य की दूसरी पंक्ति है। हाँ, संदिग्धानाम अर्थानाम वाक्य शेषात अर्थात अध्यवसानम उक्तम। हाँ, ये पंक्ति समझ में नहीं आती। देखो, संदिग्धानाम अर्थानाम अर्थात जहां अर्थ संदिग्ध हो, इसका ये अर्थ लिया जाए या ये अर्थ लिया जाए, ये सामान्य अर्थ लिया जाए या विशेष अर्थ लिया जाए, ठीक है। तो पीछे जो हमने दो अधिकरण पढ़े थे प्रथम अध्याय के अंत में, चौथे पाद के अंत में, एक तो अक्ताह शर्करा दधाती, ठीक है, और घृत का आ गया, और दूसरा हमने लिया था अवद्यति, जो लिया था तीन जगह पे हमने लिया था अवद्यति, वहां पर कैसे अर्थ घटेगा, तो दोनों बातें कही। तो संदिग्ध नाम अर्थानाम वाक्य शेषात, वाक्य शेषात तो वो घृत वाला वाक्य, वाक्य शेष है, और अर्थाच अर्थ मतलब सामर्थ्य से, सामर्थ्य मतलब सुरवा का हो गया, हाथ का हो गया और स्वदिति का हो गया, इनके सामर्थ्य से वहां पर अवदान क्रिया किस वस्तु से संबंधित होगी और क्या होगी, ये वहां अर्थ से पता लगता है। तो उन दो अधिकरणों का यहां पर संकेत है। तो जहां संदिग्ध अर्थ होंगे वहां वाक्य शेष से और अर्थ से यानी सामर्थ्य से अध्यवसानम उक्तम, अध्यवसान यानी निश्चय कहा गया है, उसकी तरफ संकेत है। हाँ, और द्वितीय अध्याय का 355वां पृष्ठ, 355वां पृष्ठ जी, ऊपर से चौथी पंक्ति। हाँ, एषा एव च अध्याय संबंधः, तो ये जो पिछले अध्याय का इस अध्याय से जो संबंध जोड़ा है ये स्पष्ट नहीं हुआ जी, कैसे? कर्मों से संबंधित बातें पीछे कही गई और कुछ आगे भी कहेंगे। कर्म के बारे में जहां कर्म से संबंधित बातें कही गई इतना ही अर्थ है बस, तात्पर्य लेंगे। अध्याय संबंध मतलब ये जो अध्याय कहा जाएगा, इन्होंने पिछले अध्याय से संबंध बताया है। एषा एव च अध्याय संबंधः, इस अध्याय के साथ में ये संबंध यानी इन विषयों का संबंध है। पिछले अध्याय में तो इन्होंने जैसे स्मृति है और विधि मंत्र आदि के बारे में बताया, और इस अध्याय में कर्मों के बारे में बता रहे हैं। पिछले में भी कर्म आए ना, कर्म के बारे में ही, कि कर्म होता है, विधेय क्या होता है, कर्म होता है शब्द का तात्पर्य कर्म में, क्रिया में होता है, शास्त्र क्रिया के लिए होता है इत्यादि, क्रिया के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं, क्रियाओं से जुड़ी भी बातें हैं या सीधे सीधे क्रिया की बात है। इसको दूसरी तरह से आप यूँ ले सकते हैं कि पिछले में प्रमाण को बताया गया, पिछले अध्याय में प्रमाण को बताया गया, प्रमाण की चर्चा थी, और अब प्रमेय की चर्चा है इसके आगे। आप उस तरह संबंध जोड़ना चाहते हैं तो प्रमाण और प्रमेय आपस में संबद्ध होते हैं, अप्रमेयों की चर्चा है जी। जी, दूसरा 356वें पृष्ठ पर सबसे जो अंतिम जो पंक्ति है, तो उसमें यहाँ पर जो अदृष्ट है उसको कल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं कि जिस वस्तु, जिस क्रिया का फल हमें दृष्ट ना हो तो हम उसके लिए अदृष्ट की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन जो कल्पना होती है तो वो तो यथार्थ नहीं होती है,
लेकिन अदृष्ट तो अन्य शास्त्रों में यथार्थ के रूप में स्वीकार किया है, तो इसको कैसे समझेंगे? तो यहाँ कल्पना का मतलब अयथार्थ कल्पना नहीं है, यथार्थ कल्पना है। कल्पना दोनों तरह से होती है। कल्पना को जैसे परिकल्पना कहते हैं, वैज्ञानिक भी परिकल्पना करते हैं, कुछ आधारों पर सोच करके चलते हैं, और यहाँ जो कल्पना है ये अनुमान के अर्थ में है। निष्कर्ष निकालते हैं हम, तात्पर्य निकालते हैं, प्रत्यक्ष सीधे सीधे नहीं कहा गया, लेकिन हम वैसा तात्पर्य लेते हैं, क्योंकि ये कर्म शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र निरर्थक बातों को, व्यर्थ बातों को, कर्मों को नहीं बताते हैं, और इन कर्मों को करने से कोई दृष्ट फल आ नहीं रहा है तो वो अदृष्ट के लिए होगा। ये वहां पर निश्चयात्मक कहा जाता है, वो अनिश्चय नहीं है, संशय नहीं है, निर्णयात्मक है, ये ऐसी कल्पना है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है। और कोई? ओम आचार्य जी, निरुक्त में जो भाव शब्द का अर्थ कर्म सामान्य लिया है, यहाँ पर जो कर्म के भेद जो छह बताया, शब्दांतर, अभ्यास, संख्या आदि, इसकी क्या आपस में संबंध है? एक भाव का मतलब तो कर्म सामान्य, ये भी ऐसा ही मान रहे हैं, भाव का मतलब कर्म सामान्य। लेकिन यहाँ जो ये जो छह प्रकार के कर्म के भेद बताए, वो कर्म के प्रकार नहीं है वैसे, कि ये अलग कर्म, ये अलग कर्म, ऐसे नहीं है। ये कर्मों का निश्चय किन किन माध्यमों से होता है, कर्मों का निश्चय किन किन माध्यमों से होता है, कि ये कौन सा कर्म है, ये कर्म के अंदर कर्म है, ये भिन्न कर्म है, ये भिन्न कर्म है, ये इन इन से पता लगता है, शब्दांतर, अभ्यास, संख्या आदि से। वो धीरे धीरे आगे बताएंगे। देखो, यहाँ शब्दांतर से पता लगा, यहाँ अभ्यास से पता लगा, यहाँ संख्या से, यहाँ गुण से पता लगा कि ये भिन्न कर्म है। तो जिन कर्मों का बोध, स्पष्टीकरण कि ये ऐसा ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, इन माध्यमों से होता है। तो जिससे पता लग रहा है उसी के नाम से उनको कह दिया गया, इसलिए छह प्रकार के बताए। ठीक है, तो आगे चलेंगे। पृष्ठ संख्या 358, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद देख रहे हैं हम, और इसमें प्रथम सूत्र को देखा था, उसके भाष्य को अब देखेंगे। प्रसंग यहाँ पर ये चल रहा था कि वाक्य में अनेक पद होते हैं, उन पदों के अपने अर्थ होते हैं, तो धर्म को या अर्थ को एक ही पद कहता है या सारे पद कहते हैं? वाक्यस्थ सारे पद धर्म या अर्थ को कहते हैं, या तो उनमें से एक ही पद कहता है? ये सारी चर्चा चल रही थी। सिद्धांति का मत है कि जो भाव शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, वो ही अर्थ को कहते हैं, बाकी शब्द तो उसी के साथ जुड़ करके एक ही अर्थ को कहते हैं, अलग अलग नहीं कहते। उसी के संदर्भ में ये सारी चर्चा चल रही है। तो इन्होंने सूत्र में कहा था कि कर्म शब्दा भावार्था, कर्मवाची जो शब्द होते हैं, क्रियावाची जो शब्द होते हैं, वो भाव के अर्थ वाले होते हैं, और तेभ्य क्रिया प्रतीयते, उनसे क्रिया की प्रतीति होवे होती है। एष ही अर्थो विधीयते, और ये ही अर्थ यानी क्रिया रूप अर्थ यहाँ पर विहित होता है, क्रिया को ही यहाँ पर विधान के रूप में कहा जाता है। तो भाष्य देखिए, अब भावार्था कर्म शब्दा, ये तो सूत्र का जो भाग है, जो का तो इन्होंने लिख दिया, भावार्था कर्म शब्द, तेभ्य क्रिया प्रतीयत, तेभ्य क्रिया प्रतीयत, ये भी जो का तो सूत्र का अंश ही यहां पर ले लिया गया है। यजेत इत्येवम आदिभ्यः, किनके द्वारा? यजेत इत्यादि शब्दों के द्वारा। कुतः, कैसे? तो भावार्थत्वादेव, ये भावार्थ है, भाव के अर्थ, भाव अर्थ को कहने वाले हैं, इसलिए इनसे इसकी प्रतीति होती है। आगे, ये आहु, जो लोग ऐसा कहते हैं, कोई यूं कहे, क्या किमपि भावयेत इति, कुछ भी भावना करें, भावयेत मतलब यजेत, यागेन, यागेन को यहां पर अंतर्भावित मानेंगे। जब हम ये कहते हैं यजेत, तो यजेत का क्या अर्थ करेंगे? यागेन भावयेत, किमपि भावयेत, किम भावयेत इति न उक्तम, क्या भावना करें, ये नहीं कहा गया, बस याग से, यागे न भावयत, याग से भावना करें, अथवा इष्टम कह देंगे, यागे न इष्टम भावयत, लेकिन वो इष्ट क्या है ये नहीं कहा गया,
तो जो ये कहते हैं किमपि भावयेत, कुछ भी भावना करे याग के द्वारा, तो वो उस जगह पे ते स्वर्ग काम पद संबंधात स्वर्गम भावयेत इति ब्रूयुः। तो वहां पर चूंकि स्वर्ग काम शब्द है, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता, तो यहां चूंकि स्वर्ग काम शब्द साथ में पढ़ा गया जिसको स्वर्ग की इच्छा है, तो उस शब्द के संबंध से यहां पर स्वर्गम भावयेत, यागेन स्वर्गम भावयेत उसको यहां कहना चाहिए, कुछ भी नहीं, जो वहां पर अर्थ कहा गया है, फल कहा गया है, उसको कहना चाहिए। तस्मात् तेभ्यः क्रिया प्रतीयेता, इसलिए उनकी, उनसे, उन शब्दों से यानी यजेत आदि शब्दों से क्रिया की प्रतीति होवे, क्रिया की प्रतीति होवे। किससे संबंधित क्रिया की? तो फलस्य क्रिया, फल की क्रिया है, फल को प्राप्त, फल से संबंधित क्रिया है, फल को प्राप्त करने के लिए क्रिया है, तो कहा फलस्य क्रिया। उसी क्रिया शब्द को इन्होंने आगे खोल दिया, करणम निष्पत्ति ही इति, क्रिया को ही खोला है, बराबर लगा जी, क्रिया बराबर करणम बराबर निष्पत्ति ही इति, फल की क्रिया, फल का करना और फल की निष्पत्ति एक ही बात है। तेज यागदान होम संबद्धा स्वर्ग से उत्पत्ति वदन्ति, ये जो शब्द हैं, ये ते का मतलब है, ये जो भावार्थक शब्द हैं, ये यागदान होम से संबद्ध होते हुए भावार्थक शब्द हैं, तो कोई ना कोई क्रिया करेंगे, अब वो भावयेत कुर्यात ये सब शब्द जो प्रयोग करेंगे, तो किसको करेगा? तो यागम कुर्यात, दानम कुर्यात, होमम कुर्यात इत्यादि, यागदान होम से जुड़ करके ये बताएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि ते, ये जो भावार्थक शब्द हैं, यागदान होम संबद्धा, यागदान होम से संबद्ध होते हुए संबद्ध हैं, जो स्वर्ग से उत्पत्ति बदंती, स्वर्ग की उत्पत्ति को, निर्माण को, बनने को कहते हैं, प्राप्ति को कहते हैं। कुतः, क्यों, कैसे कहते हैं? तो एष ही अर्थो विधीयते, क्योंकि यही अर्थ वहां पर विधान किया जा रहा है, इसके करने से ये प्राप्ति होगी, यही यहां पर विहित किया जा रहा है। यथा, जैसे कि यागादिना, यागादि के द्वारा। अब इसको खोलने के लिए कि ये अर्थ कैसे निकलता है, तो कहा स्वर्ग काम केन भावयेत स्वर्गम, जो स्वर्ग की कामना वाला है वो केन स्वर्गम भावयेत, किससे स्वर्ग को प्राप्त करें, स्वर्ग की स्थिति कैसे बनाए, तो यागादिना ही थी, यागादि से बनाए। आगे, यस्य च शब्दस्य अर्थेन फलम साध्यते तेन अपूर्वम कृत्वा नान्यथा इति, कह रहे कि जिस शब्द का, यस्य च शब्दस्य, जिस शब्द का अर्थेन, अर्थेन मतलब धर्मेण, जिस शब्द के अर्थ से यानी जिस शब्द के धर्म से, क्योंकि वहां पर चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थ और धर्म हम एक मान करके चल रहे हैं, तो जिस शब्द के अर्थ से यानी धर्म से, फलम क्रिया से, फलम साध्यते फल की सिद्धि होती है, जिस शब्द के अर्थ से फल की सिद्धि होती है, तेना उस अर्थ के द्वारा अपूर्वम कृत्वा, अपूर्व को करके फल की सिद्धि होती है, नान्यथा और कोई उपाय नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं, शब्द ने अर्थ को कहा यानी धर्म को कहा यानी क्रिया को कहा, और उस क्रिया से फल की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि उस क्रिया से फल की प्राप्ति होगी, क्रिया से फल की उत्पत्ति हो रही है, तो ये जो शब्द क्रिया और फल, ये जो तीन चरण हैं, यहां पर फल और यहां पर अर्थ यानी क्रिया धर्म और उसके बाद में फल, ये जो बीच में चीज है, तो ये तेना अपूर्वम कृत्वा, अर्थ के द्वारा जब फल की उत्पत्ति होती है तो अपूर्व को करते हुए होती है, देन उससे पहले अपूर्व बनता है यानी भाग्य बनता है, तो ये होती है। तेना अपूर्वम कृत्वा नान्यथा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि शब्द से जो अर्थ आया, जो धर्म आया, जो क्रिया आई, वो तो थोड़ी देर रहेगी, जब तक चल रही है, चल रही है, फिर समाप्त, और फल आएगा बाद में, और उस क्रिया से फल आएगा, क्रिया है ही नहीं तो फल कहां से आएगा, क्रिया तो हो चुकी, अगर क्रिया से ही फल आना होता तो उसी समय आ जाता, और क्रिया है और फल नहीं है, और क्रिया समाप्त हो गई, अब फल भी नहीं आ सकता, लेकिन फल की बात फिर भी कही जा रही है, तो क्रिया से यानी अर्थ से, धर्म से, क्रिया से अपूर्व की उत्पत्ति होकर के ही फल की उत्पत्ति होती है, ऐसे नहीं होती है, सीधे नहीं होती है, नान्यथा। पंक्ति फिर देख लीजिए, यस्य च शब्दस्य अर्थेन फलम साध्यते, जिस शब्द के अर्थ से फल की सिद्धि कही जा रही है, वो
तेना अपूर्वम कृत्वा, उस अर्थ के द्वारा अपूर्व को करते हुए फल की सिद्धि कही जाती है, नान्यथा और कोई उपाय नहीं है। यानी अपूर्व को तो मानना पड़ेगा। ततो अपूर्वम गम्यते, इससे अपूर्व भी जाना जाता है उसी शब्द से। पीछे जो शंका आ रही थी, प्रश्न उठाया था कि किस पद से अर्थ का ज्ञान होता है, किस पद से धर्म का ज्ञान होता है, तो वहां पर अपूर्व शब्द भी आया था, किस शब्द से अपूर्व का ज्ञान होता है। तो इन्होंने कहा जिस भाव शब्द से अर्थ धर्म क्रिया का ज्ञान होता है उसी से अपूर्व का भी ज्ञान होता है, क्योंकि अर्थ के द्वारा सीधे सीधे फल नहीं लाया जाता, क्रिया के द्वारा फल नहीं लाया जाता, वो अपूर्व पूर्वक ही आता है, तो उसी शब्द से अपूर्व भी कहा जाएगा। तो ततो अपूर्वम गम्यते, उसी से अपूर्व भी जाना जाता है। अतो यस्तस्य वाचक है शब्द, तो जो उसका, उसका मतलब तस्य मतलब भावस्य, उस भाव का वाचक शब्द है, ततो अपूर्वम प्रतीयते, उसी से अपूर्व की भी प्रतीति होती है। जो भाव को क्रिया को कह रहा है शब्द, उसी से अपूर्व की प्रतीति होती है। ठीक है, तेन भाव शब्द अपूर्वस्य चोदका इति ब्रूमा, इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जो भाव शब्द हैं वो अपूर्व को बताने वाले होते हैं। भाव शब्द ही अर्थ को बताते हैं, धर्म को बताते हैं, और वही अपूर्व को भी बताने वाले होते हैं। आगे, न तो कश्चित शब्द साक्षात अपूर्वस्य वाचको अस्ति, लेकिन यह भी बात है कि इनमें से कोई भी शब्द सीधे सीधे अपूर्व का वाचक नहीं है। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, इसमें अपूर्व की बात ही नहीं आई है। ये जितने भी शब्द हैं इसमें अपूर्व बन करके होगा, भाग्य बन करके होगा, ये तो कहीं आया ही नहीं है। इस कर्म को करो ये फल होगा, इस कर्म को करो ये फल होगा, बस यही उल्लेख मिलता है। तो ये सारे वचन बिना अपूर्व को बताए हुए कह रहे हैं, यानी अपूर्व को कहने वाला शब्द यहां पर नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा न तो कच्चे शब्द साक्षात अपूर्व से वाचको अस्ति, सीधे सीधे बताने वाला नहीं है, लेकिन हाँ तात्पर्य से तो निकल करके आता है। इन शब्दों में क्या होता है परस्पर सहयोग, कि भावार्थ ही किम अपि भावयितव्यम, जो भावना वाची भाववाची शब्द, भाववाची शब्द होता है, उसके अर्थ के द्वारा कुछ न कुछ भावना की जानी होती है, कुछ न कुछ प्राप्ति की जानी होती है। क्रियावाची शब्दों के अर्थ से यानी क्रिया से कुछ न कुछ सिद्ध किया जाना होता है, किमपि भावयितव्यम। और दूसरी तरफ स्वर्ग कामस्य च केनापि भाव्यता इति, स्वर्ग काम की यानी स्वर्ग की किसी न किसी के द्वारा भाव्यता होती है कि स्वर्ग को किसी न किसी के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। याग आदि क्रिया के द्वारा कुछ न कुछ सिद्ध किया जाएगा। अब कुछ न कुछ सिद्ध जो होगा उसमें स्वर्ग ले लिया कि स्वर्ग को किसी न किसी के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। इस कर्म के द्वारा कोई न कोई फल प्राप्त होगा, ये फल किसी न किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों तरफ से कह सकते हैं, तो दोनों अधूरे अधूरे हैं। इसलिए इन्होंने कहा तयोर नष्टाश्व दग्ध रत्वत संप्रयोग, दग्ध नष्ट अश्व और दग्ध रथ। नष्ट अश्व का मतलब है जिसका घोड़ा नष्ट हो गया है, और दग्ध रथ मतलब जिसका रथ जल गया है। तो दो रथ थे, दोनों में घोड़े भी थे और रथ भी था। एक का रथ जल गया और एक का घोड़ा मर गया, तब क्या करेंगे? एक का घोड़ा और एक का रथ मिला करके, जो दो जने अलग अलग चल रहे थे दो अलग अलग रथों पे, वो दोनों एक ही रथ पे बैठ जाएंगे और उससे यात्रा करेंगे। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं अंधपंगु न्याय। अंधपंगु न्याय, एक अंधा है और एक लूला है। लूला मतलब बिना पैर वाला है, लंगड़ा है। तो अंधे ने बिना पैर वालों को, वाले को, लूले को अपने कंधे पर बैठा लिया, वो आंख से देख रहा है और ये पैर से चल रहा है। नष्टाश्व दग्ध रथ न्याय की तरह से ये भी है। आगे, यजेत इत्येवम आदाय साकांक्षा। अब कह रहे हैं कि यजेत, ये जो शब्द है ये साकांक्षा है, इसमें आकांक्षा है, कुछ कामनाएं जुड़ी हुई हैं, इच्छा पूरी, इच्छा तृप्त नहीं हुई है, निराकांक्ष नहीं हुए हैं। तो कैसे? तो कहा यजेत, यजेत शब्द जब हम बोलते हैं तो किम केन कथम इति, ये साथ में प्रश्न जुड़ जाते हैं। किम केन कथम इति, कथम इति, उसमें हम क्या कहते हैं? किम भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत, क्या कहेंगे? किम भावयेत, किम भावयेत,
स्वर्गम भावेत, इष्टम भावेत, इष्टम भावेत, स्वर्गम भावेत, केन भावेत, यागेन भावेत, और कथम भावेत, तो कथम भावेत का यहां पर अर्थ लेते हैं अपूर्वम कृत्वा भावेत, अपूर्व को करके ये सिद्ध करेगा, ये क्रिया अपूर्व को उत्पन्न करके और फल को सिद्ध करेगी। तो किम भावेत, तो स्वर्गम भावेत, केन भावेत, तो यागेन भावेत, और कथम कृत्वा भावेत, तो कहा अपूर्वम कृत्वा भावेत। आगे स्वर्ग काम इत्यनेन प्रयोजनेन निराकांक्षा, निराकांक्षा के बाद जो पूर्ण विराम है उसको अल्प विराम में ले लीजिए, अल्प विराम। तो स्वर्ग काम इत्यनेन प्रयोजनेन, स्वर्ग काम इस प्रयोजन के द्वारा, यानी स्वर्ग प्रयोजन है वहां पर, इसके द्वारा ये निराकांक्ष हो जाते हैं। कौन? यजेता इत्येवम आदय, यजेता आदि जो है वहां स्वर्ग काम जब आ जाता है तो उससे वो निराकांक्ष हो जाते हैं कि भाई यजन क्यों करें, तो बोले स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करें, तो निराकांक्ष हो जाते हैं। लेकिन नैव द्रव्य गुण शब्दाः, जो द्रव्य गुण शब्द हैं वो स्वर्ग काम आदि शब्द से निराकांक्ष नहीं हो जाते, प्रयोजन के आने पे निराकांक्ष नहीं हो जाते। इसको दो तरह से अर्थ किया युधिष्ठिर जी ने, नैव द्रव्य गुण शब्दाः, द्रव्य गुण शब्द एक तो है कि निराकांक्ष नहीं होते और दूसरा साकांक्ष नहीं होते। पीछे देखिए चौथी पंक्ति के प्रारंभ में लिखा था यजेत इत्येवम आदय साकांक्षा, तो यजेत ये भाव शब्द है, इसके विपरीत द्रव्य गुण शब्द, द्रव्य गुण शब्द होते हैं। तो नैव द्रव्य गुण शब्द, द्रव्य गुण शब्द साकांक्ष नहीं होते हैं, यजेत शब्द तो साकांक्ष है, द्रव्य गुण शब्द साकांक्ष नहीं होते, एक तो यह हुआ। दूसरा क्या कहा था कि ये जो यजेत शब्द है ये स्वर्ग काम इस शब्द की, इसके द्वारा, इस प्रयोजन के द्वारा निराकांक्ष हो जाता है। तो द्रव्य और गुण शब्द प्रयोजन वचन से निराकांक्ष नहीं होते, द्रव्य गुण शब्द न तो साकांक्ष हैं और प्रयोजन को देखो के प्रयोजनवाची शब्द के माध्यम से सहयोग से वो निराकांक्ष भी नहीं होते, युधिष्ठिर जी ने इस तरह से अर्थ किया है। आगे तस्मात् भावार्थाः कर्म शब्दाः अपूर्वम चोदयन्ती इति, इसलिए जो भाववाची कर्म शब्द हैं वे अपूर्व को बताते हैं। अपूर्व को बताने वाला कौन शब्द होगा? क्रियावाची शब्द ही होगा, अन्य शब्द अपूर्व को नहीं बताएंगे। ये अर्थ को बताते हैं, ये धर्म को बताते हैं, ये अपूर्व को बताते हैं, इनको बताने वाला जो सीधा शब्द है वो ये है। आगे अथ अकस्मात उभयम सूत्रितम, तो बोले सूत्र में ऐसा दोनों को क्यों लिखा, भावार्थाः कर्म शब्दाय इति, भाई भाव भी कर्म ही है तो भावार्था कर्म शब्द है, ये दो शब्द क्यों लिखे, एक ही से हो जाता। इसका मतलब क्या है कि जो कर्म शब्द है, क्रियावाची शब्द है, वो भावार्थ होते हैं, भाव अर्थ वाले होते हैं, भावार्था कर्म शब्दाः उच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं, भवंती केचित कर्म शब्दाः, कुछ शब्द केवल कर्म शब्द होते हैं, वो भाव शब्द नहीं होते। कर्म मतलब यागादि कर्म, न भावार्था, यानी भावना को वो नहीं बताते। जैसे यथा शेन चित्रादय, शेन और चित्रादि जो शब्द हैं, शेने न यजेत चित्रया यजेत इत्यादि जो हैं, ये शब्द केवल याग के नाम है, कर्मवाची हैं, ये भाववाची नहीं है, क्रिया को नहीं बताते। तो शेन है ये तो द्रव्य को बताता है, और चित्र है ये गुण को बताता है, द्रव्यवाची और गुणवाची का एक एक उदाहरण लिया है ये। आगे कहते हैं केचित भावार्था, लेकिन कुछ शब्द होते हैं वो केवल भाव को बताते हैं, कर्म को नहीं बताते, क्रिया को नहीं बताते, नहीं, ये कर्मवाची नहीं होते, ये केवल भाव को बताते हैं। पहले जो बताए थे वो कैसे थे कि कुछ कर्म शब्द ऐसे होते हैं कि वो भावार्थ नहीं होते हैं, यानी द्रव्य और गुण को बताते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो केवल भाव को, क्रिया को बताते हैं, द्रव्य और गुण को नहीं बताते। आगे स्वयं लिखते हैं केचित भावार्था न कर्म शब्दाय इति, वो कर्मवाची नहीं होते, वो द्रव्य न कर्म शब्दाः, क्रिया के वाचक शब्द नहीं होते हैं वो, याग जो कर्म है उसके वाचक नहीं होते। केचित भावार्था न कर्म शब्दाः, जैसे कि कर्म का मतलब यहां पर क्रिया नहीं है, नहीं, याग आदि जो कर्म है ना उनको कह रहे हैं, क्रिया मात्र को नहीं कह रहे।
क्योंकि ये भावार्थ है, तो भाव को तो, या भाव का मतलब क्रिया, क्रिया को तो ये कह ही रहे हैं। कैसे शब्द हैं उसके लिए आगे उन्होंने कहा, यथा भवनम भावो भूतिरिति, या उन्होंने भू धातु का प्रयोग किया है। वैसे क्री भू अस तीनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता था, उन्होंने भू का किया। तो भवनम जो है ये वर्तमान काल को बता रहा है, भाव ये भविष्यत काल को बता रहा है, और भूति ये भूतकाल को बता रहा है। तीनों कालों की दृष्टि से भू धातु के ये तीन प्रयोग यहां पर इन्होंने लिख दिए हैं। ये केवल भाववाची हैं, किसी क्रिया को नहीं बता रहे हैं, मतलब याग आदि क्रिया को नहीं बता रहे हैं। पूर्व पक्षी अब पूछ रहा है, किम पुनर यह उदाहरणम, इसके लिए कोई उदाहरण दीजिए, ऐसा उदाहरण जो भावार्थ भी हो और कर्म शब्द भी हो, कर्म शब्द भी हो और भाव को भी कह रहा हूं। क्योंकि हमारे यहां सूत्र में जो कहा गया था, भावार्थ कर्म शब्द, कर्म शब्द हैं वो भाव को कहते हैं। इन्होंने कहा, पहले कहा कि कुछ कर्म शब्द हैं वो भाव के लिए नहीं होते हैं, और कुछ भाव के लिए होते हैं लेकिन वो कर्म शब्द नहीं होते हैं। कुछ कर्म शब्द होते हैं लेकिन भाव के लिए नहीं होते, और कुछ भाव के लिए होते हैं लेकिन कर्म शब्द नहीं होते हैं। तो सूत्र में जो भावार्थ कर्म शब्द इकट्ठा पढ़ा है, इसलिए इन्होंने पूछा था ना, कस्मात उभयम सूत्रितम, दोनों बातें क्यों आपने लिखी हैं कि भावार्थ भी कर्म शब्द हो और वो भावार्थ हो। सीधे कह देते भावार्थ होते हैं, जो भाव अर्थ वाले होते हैं वो कह देते हैं। बोले नहीं, जो कर्म शब्द होते हुए भाव को कहने वाले होते हैं वो शब्द, जो यागादि कर्म को कहते हुए भावना को भी कह रहे होते हैं उनका ग्रहण करना, इसलिए दोनों शब्दों का ग्रहण किया है। इसलिए पूर्व पक्षी पूछ रहा है आगे कि किम पुनर इधर उदाहरणम, ये जो आपने कहा भावार्था कर्म शब्दा, इन ये दोनों चीजें जहां पर हो इसका कौन सा उदाहरण बनेगा, पीछे वाले तो उदाहरण नहीं बनेंगे। तो सिद्धांति कहता है, शेन न अभिचरण यजेत, शेन से अभिचार करता हुआ यजन करे, चित्रया यजेत पशु काम, ये यहां पर दोनों बातें हैं। लेकिन शब्द के लिए कह रहे हैं, ये यजेत के लिए कह रहे हैं, इन दोनों वाक्यों में यजेत शब्द कर्म शब्द है और ये भावार्थ भी है, भावार्था कर्म शब्द, कर्म शब्द होते हुए ये भाव को कह रहे हैं, यागम भावेत या तो यागे न इष्टम भावेत, दोनों को ये कह रहे हैं। अब इसका ये अर्थ कर रहे हैं कि यहां वास्तव में तात्पर्य क्या लेंगे, तो किम शेनेन अभिचरण उत यजेत अभिचरण इति, ध्यान देना इस बात पे, पहले वाक्य पे केंद्रित है, शेनेन अभिचरण यजेत, इस पे केंद्रित है हम। तो इसका क्या तात्पर्य यह है कि शेनेन अभिचरण, शेन से अभिचार करता हुआ यजन करें, शेनेन अभिचरण, अगर इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं, अर्थबोध लेते हैं, तो ये शेन शब्द क्या है, गुणवाची बनेगा। पीछे हम देख करके आए कि गुणवाची है या नामधेय है, तो शेनेन अभिचरण ऐसा जब अर्थ करेंगे इसका मतलब है शेन को यहां पर गुण बनाया जा रहा है। अब दूसरा क्या है, उत अथवा यजेत अभिचरण इति, इसमें यजेत अभिचरण को बोल ऐसे बोलिए समझने के लिए, अभिचरण यजेत, पहला था शेनेन अभिचरण, दूसरा है अभिचरण यजेत, अभिचार करता हुआ यजन करें, तो अभिचार क्या करता हुआ, शेनेन अभिचरण यजेत, शेन यहां पर जुड़ जाएगा। अब यहां पर शेन नामवाची है, नामधेय है, अब गुण नहीं है, शेन नामक याग से अभिचरण करता हुआ इष्टम भावयेत, इष्ट की भावना करें, शेनेन अभिचरण इति यजेत अभिचरण इति। तो देखिए, शेनेन अभिचरण उत यजेत अभिचरण इति, दोनों को पलट करके बोल रहे हैं। इसमें से जो पहला वाला है शेनेन अभिचरण, इसमें शेन गुण है और यह इस तरह से अर्थ करना इष्ट नहीं है, ये ठीक नहीं है। और यजेत अभिचरण, इसमें शेन याग से अभिचार करता हुआ करे, अभिचरण यजेत ये इष्ट है, ये इष्ट है, ये ठीक है। दूसरा देखिए, जो मोटे अक्षरों में है, चित्रया यजेत पशु काम, इसको लेकर के भी ऐसे दो वाक्य बनाए हैं, तथा चित्रया पशु काम उत पशु कामो यजेत। वैसे तो क्या है, चित्रया यजेत पशु काम, पर यहां क्या लिखा है, चित्रया पशु काम। तो चित्रया पशु काम जब हम अर्थ लेंगे तो चित्रया ये गुण हो जाएगा, गुण विधि होगी, चित्रया ये अनिष्ट, ऐसा अर्थ नहीं देना है। उत पशु कामो यजेत, जो पशु कामना वाला है वो चित्रा नाम के याग को करे,
चित्रा नाम के याग को करे जो पशु को चाहता है, ये इष्ट है अर्थ। तो स्थिते एतस्मिन् अधिकरणे गुण विधि नामधेयम् इति विचारो भविष्यति। बोले इस अधिकरण के स्थित होने पर यानी सिद्ध होने पर, कौन सा अधिकरण कि वाक्य में से कौन सा पद अपूर्व का या अर्थ का धर्म का बोधक होता है, ये निश्चय होने पर ये निश्चित होगा अंतिम तो कि ये गुण विधि है या नामधेय है, विचारो भविष्यति। यद्यपि ये हम पहले करके आ चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि उसकी पूर्णता कब होगी, जब हमारे साथ में ये भी पता होगा कि शब्द कौन सा, शब्द कौन सा पद अपूर्व को या धर्म को अर्थ को कहता है। तथा और उदाहरण दे रहे हैं, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति। इस वाक्य में दर्श काल पूर्णमास इति च, दर्श भी एक काल है और पूर्णमास भी एक काल है। दर्श मतलब अमावस्या का, पूर्णमास तो पूर्णिमा है ही, ये कालवाची है। किम ताभ्याम स्वर्ग कामः, अब ये कह रहे हैं किम ताभ्याम, ताभ्याम मतलब दर्श पूर्णमासाभ्याम, स्वर्ग काम है स्वर्ग की कामना वाला। अगर ताभ्याम मतलब दर्श पूर्णमासाभ्याम लिया और काल का प्रयोग किया तो ये गुण को ले कथन किया जा रहा है, इन गुणों के द्वारा स्वर्ग की कामना वाला करे। उत अथवा स्वर्ग कामो यजेता इति, जो स्वर्ग की कामना वाला है वो इस याग को दर्श पूर्णमास याग को करे, ये यहां पर इष्ट है या नाम लेंगे दर्श पूर्णमास का। यदि दर्श पूर्णमास को कालवाची मान के उसकी गुण विधि करेंगे तो गलत है, उसको नामवाची मानेंगे तो ठीक है। तो दर्श पूर्णमासाभ्याम इति च, अब इन वाक्यों को बता रहे हैं, दर्श पूर्णमासाभ्याम इति च ये एक उदाहरण हो गया, शेनेन इति च ये हो गया, चित्रया इति च ये हो गया, नैते भाव वचनाहा, ये जितने भी शब्द हैं ये भाववाचक यानी याग या कर्मवाचक नहीं है, क्रिया को नहीं कहते हैं ना, ये क्रिया को नहीं कहते, ये भाव को नहीं कहते, ये कर्म को नहीं कहते, ये याग को नहीं कहते। न चैषाम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति, और इनका अर्थी के साथ में जो फल को चाहने वाला है उसके साथ संबंध नहीं है, यानी समानाधिकरण नहीं है, हैं? न चैषाम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति, समानाधिकरण नहीं है, आख्यात से इनका संबंध नहीं है। नये चेषम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति, अर्थी का नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा है कामना करने वाले के साथ इनका कोई संबंध नहीं है, अर्थी मतलब चाहने वाला। नये चेषम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति, क्यों नहीं है, विविभक्ति कत्वात्, भिन्न भिन्न विभक्ति वाला होने से। तस्मात् न द्रव्य गुण शब्द अपूर्व से विधायका इति, इसलिए द्रव्य गुण को बताने वाले जो शब्द हैं वो अपूर्व के वाचक नहीं होते, द्रव्य गुण के वाचक यानी नामिक के जो होते हैं वो, इन शब्दों का सीधे सीधे क्रिया से संबंध नहीं होता, परोक्ष होता है, जुड़ते तो हैं ये क्रिया से, तो क्रिया ही अर्थ को धर्म को अपूर्व को कहती है, ये इनका तात्पर्य हुआ। तो इसको दूसरे ढंग से यूं कहिए कि जिस शब्द का या जिस अर्थ का फल से संबंध हो, जिस शब्द का या उसके अर्थ का फल के साथ में संबंध हो वही अपूर्व का भी वाचक होगा और वो क्रियावाची शब्द ही होंगे, ऐसा इनका निश्चय है। आगे दूसरा सूत्र, पूर्व पक्षी का सूत्र है, सर्वेषां भावो अर्थ इति चेत। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि सभी शब्दों का, यानी उसमें द्रव्य और गुणवाची शब्द भी आ गए, उन शब्दों का भाव अर्थ होता है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो, खंडन करेंगे आगे भाष्य, एवं चेत भवान पश्यति। अगर आप ये देखते हो, सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है, नहीं पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहा है, ये पूर्व पक्षी है, एवं चेत भवान पश्यति, भवान मतलब है सिद्धांती, क्या इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अभाव शब्दत्वात् न द्रव्य गुण शब्द अपूर्वस्य विधायका, भाव शब्द न होने के कारण से द्रव्य गुण शब्द अपूर्व के विधायक नहीं होते हैं, द्रव्य गुण शब्द जो होंगे वो भाववाचक नहीं होंगे, तो भाव शब्द न होने के कारण से, चूंकि द्रव्य गुण शब्द भाववाचक शब्द नहीं है इसलिए वो अपूर्व के विधायक भी नहीं है, जो भाववाचक शब्द होगा वही अपूर्व का विधायक होगा ये मान करके इन्होंने कहा कि ये द्रव्य गुण शब्द अपूर्व के विधायक नहीं होंगे इति, ऐसा यदि आप कहते हो तो सर्वेषां भावो अर्थः, सभी शब्दों का भावी अर्थ होता है,
पूर्व पक्षी सिद्धांती को क्या कह रहा है, आपने कहा था कि जो भाव अर्थ को बताते हैं वही अपूर्व के वाचक हैं, और जो भाव अर्थ को नहीं बताते वो अपूर्व के वाचक नहीं होते। तो कहते हैं कि सर्वेशां भावो अर्थ, सभी शब्दों का भाव ही अर्थ होता है, क्रिया ही अर्थ होता है सब शब्दों का। आगे स्वर्ग कामो दर्शपूर्ण मासाभ्याम इत्येतयो संबंधम यजेता इति वक्षति, कि जो स्वर्ग काम शब्द है, दर्शपूर्ण मासाभ्याम शब्द है, इन दोनों का संबंध यजेता के साथ में कहेगा ही वो, तो ये भी भाव को कहने वाले हुए। शेनेन अभिचरण इत्येतयोश्च, शेन से अभिचार करता हुआ, शेनेन अभिचरण यजेता, इन दोनों का भी यजेते से संबंध है। और तथा चित्रया पशु कामा इति, चित्रया पशु कामा यजेता, यहां पर भी इनका यजेता के साथ में संबंध है। तस्मात एतेपि साकांक्षत्वात् भाव वचनः, क्योंकि ये भी साकांक्ष है, यजेता के बिना इनका भी काम नहीं चलता है, इसलिए साकांक्ष होने से ये भी भाववाची शब्द है। पीछे सिद्धांति ने कहा था यजेता आदि साकांक्ष है, इसलिए भाववाचक शब्द है, साकांक्ष है ये, औरों को निराकांक्ष कहा था। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग काम चित्रया यजेता, चित्रया पशु काम यजेता, तो चित्रया पशु काम आदि जो ये सारे शब्द हैं ये यजेता से संबद्ध रखते हैं, उसकी अपेक्षा रखते हैं, तो ये साकांक्ष हैं, क्रिया की अपेक्षा रखते हैं, और क्रिया की अपेक्षा रखते हुए ये साकांक्ष हैं, साकांक्ष हैं, तो ये भाववाची शब्द हो जाएंगे। साकांक्षत्वात् भाव वचना, चूंकि साकांक्ष हैं इसलिए भाववाची हो जाएंगे। सर्वेषु भाव वचनेषु नास्ति विनिगमनायाम हेतु, सर्वेषु भाव वचनेषु, यहां पर सति ले लेंगे, सबके भाव वचन होने पर सति सप्तमी, क्योंकि जब सभी शब्द भाववाचक हो जाएंगे तब, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा है कि सारे के सारे साकांक्ष होने से भाव वचन है, और जब सब भाव वचन हो जाएंगे तो नास्ति विनिगमनायाम हेतु, इस निश्चय को करने में कोई हेतु नहीं है कि कर्म शब्दा एव अपूर्वस्य विधायका, कर्म शब्द ही अपूर्व के विधायक होते हैं, न द्रव्यगुण शब्द आयति, द्रव्यगुण शब्द विधायक नहीं होती, ये जो आपने विनिगमन किया, निष्कर्ष निकाला, इसमें कोई हेतु नहीं है, इसमें कोई हेतु नहीं है, जब सभी भाव वचन है तो सभी अपूर्व के विधायक हो सकते हैं, पूर्व पक्षी का मत। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, तीसरा सूत्र, येषाम उत्पत्तौ स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धि तानि नामानि तस्मात् तेभ्य पराकांक्षा भूतत्वात् स्वे प्रयोगे। तो दो भाग इसमें कर दिए, येषाम उत्पत्तौ, जिन शब्दों की उत्पत्ति में, यानी उत्पत्ति वाक्य में, स्वे प्रयोगे, अब उन अपने अर्थ में प्रयुज्यमान शब्दों के, अपने अर्थ में जो प्रयोग किए गए हैं, जिन जिन अर्थ वाले हैं उसी में किए गए, स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धि, जहां रूप की भी उपलब्धि हो रही है साथ में, तो तानी नामानी, उनको नामवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति वाक्य में उनका प्रयोग होने पर, प्रयोग के समय उनकी रूप की उपलब्धि भी होती है, तो वो सारे के सारे नामवाची शब्द होते हैं। तस्मात् तेभ्य पराकांक्षा, इसलिए उनसे पर की आकांक्षा होती है। अब पराकांक्षा के साथ साथ यहां पर इसमें काफी अध्याय आदि किए गए हैं और टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से अर्थ किए हैं, क्योंकि पराकांक्षा शब्द के कारण यहां पर दिक्कत है कुछ, तो या तो करते हैं पराकांक्षा न विद्यते, नहीं होती है, इसका अध्याय करते हैं, अध्याय करते हैं, अथवा चौथे सूत्र से लेते हैं। चौथे सूत्र को देखिए, तेषाम तु उत्पत्तौ अर्थे स्वे प्रयोगे न विद्यते तानि आख्यातानि, ये न विद्यते यहां पर है, इस न विद्यते को पहले ले लेते हैं, पूर्व में ले लेते हैं इसको, तो एक तो इस तरह से करते हैं अथवा यहीं पर ही अध्याहार करते हैं, क्योंकि भाष्यकार ने भी ऐसा ही किया है और अन्य टीकाकार भी ऐसा करते हैं, यद्यपि शब्द नहीं है यहां पर, अथवा इसका दूसरे ढंग से अर्थ करते हैं, पराकांक्षा को करते हैं निषेध के रूप में यहां पर ले लेते हैं, पर की इसमें देखिए पृष्ठ संख्या 363 पर, बल्कि इसको 62 पे भी देख लीजिए, विशेष में दिया हुआ है इन्होंने तीसरी पंक्ति में, कुतूहल वृत्तिकार ने पराकांक्षा का विच्छेद पर आकांक्षा, पर आकांक्षा, आकांक्षा, पराकांक्षा, पर आकांक्षा, तो पर की आकांक्षा
आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा, ऐसा अर्थ करके उन्होंने निषेध अर्थ यहीं से लिया। और युधिष्ठिर जी का तात्पर्य है कि इसी में ही संधि विच्छेद की भिन्नता करके अर्थ निकाल लें वो ज्यादा संगत है, बजाय इसके कि अगले सूत्र से लें या यहां पर अध्याहार करें, ये पक्ष ज्यादा प्रबल है। तो इसलिए इनसे पराकांक्षा, पर की आकांक्षा नहीं होती है, न विद्यते का तो अध्याहार करेंगे। क्यों नहीं होती है? तो स्वे प्रयोगे, अपने प्रयोग काल में भूतत्वाद इनके विद्यमान होने के कारण से, इनका जब प्रयोग होता है उस प्रयोग काल में ये यहां पर विद्यमान रहते हैं। इसको भाष्य से देखिए, ये शाम शब्दानाम उच्चारण उत्पत्तौ स्वे अर्थे प्रयुज्यमानानाम रूपम उपलभ्यते। जिन शब्दों के उच्चारण की उत्पत्ति में, उच्चारण रूप उत्पत्ति में जब बोला जाता है उनको कहा जाता है, उस समय में अपने अर्थ में जो प्रयोग हो रहे हैं उन शब्दों की के रूप की उपलब्धि होती है। जब शब्द अपने अर्थों में प्रयोग हो रहा है और उनके रूप की उपलब्धि वहां पर हो रही है, तो यत सकृत उत्पन्नम कालांतरम तिष्ठति, जो कि एक बार उत्पन्न होने पर देर तक भी रहता है। कौन? वो जो उसका रूप है। शब्द को तो हमने एक बार बोला और उसी समय समाप्त हो जाता है, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है वो वहां पर विद्यमान है, वो देर तक रहता है। घड़ा कहा तो घड़ा शब्द तो चला गया, लेकिन जो घट है वो देर तक रहता है। तो सकृत उत्पन्नम कालांतरम तिष्ठति, एक बार उत्पन्न हुआ वो देर तक रहता है, ऐसा जो द्रव्य या गुण है। न क्रिया इव उत्पन्न मात्रम विनश्यति इति तानी नामानी, वो केवल क्रिया की तरह से उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो देर काल तक रहते हैं। तानी नामानी, ऐसे शब्द नामवाची कहलाते हैं, और ते द्रव्य गुण शब्द, वो द्रव्य और गुण को बताने वाले शब्द होते हैं। ईदृशो द्रव्य गुण शब्दानाम अर्थः, द्रव्य गुण शब्दों का ये इस प्रकार का अर्थ होता है। तो ते द्रव्य गुण शब्द इति वक्तव्य तानी नामानी इति सूत्रितम्। सूत्र में देखिए एक अंश दिया इन्होंने तानी नामानी। सूत्र क्या था? येषाम उत्पत्तौ स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धि तानी नामानी, वे नाम है। इसकी जगह क्या करना चाहिए था इनको? ते द्रव्य गुण शब्दाः, ये कहना चाहिए था, क्योंकि भाव शब्द को पहले बता दिया गया और द्रव्य और गुण शब्द कैसे होते हैं वो यहां बताया जा रहा है। तो देखिए भाष्य में जो तीसरी पंक्ति है, ते द्रव्य गुण शब्द इति वक्तव्य, यहां पर कहना तो ये चाहिए था वे द्रव्य गुण शब्द हैं, ते द्रव्य गुण शब्द इति वक्तव्य, ये कहना होने पर, विषय उपस्थित होने पर, तानी नामानी इति सूत्रितम, तानी नामानी ये शब्द सूत्र में पढ़ दिया गया है। तो इससे क्या तात्पर्य निकाल रहे हैं वो आगे बता रहे हैं। अतो नामानी इति एषाम पर्याय शब्द, तो नाम ये इनका पर्याय शब्द है। द्रव्यवाची या गुणवाची जो शब्द हैं उनको नाम इससे भी कहा जा सकता है, नामानी नाम इनका पर्यायवाची शब्द है। नाम कहो चाहे द्रव्य गुण शब्द कहो एक ही बात है। कथम गम्यते, ये कैसे जाना जाता है? तो यतः एषाम विभक्तयो नामिक्यः उच्यन्ते, क्योंकि इनकी जो विभक्तियां हैं वो नामिकी विभक्ति कहलाती है, नामिक विभक्तियां कहलाती हैं, नाम वाली विभक्तियां कहलाती हैं। तो ये विभक्तियां जहां हैं वो नामिक्य होंगे, नाम से संबंधित होंगे। कथमास्ता, वो विभक्तियां कौन कौन सी हैं, कैसी हैं? तो उदाहरण के लिए कहा वृक्ष है वृक्षो वृक्षाः, और शुक्ल है शुक्लो शुक्लाः, इत्येवम् आदयः। तस्मात् सम्यक् सूत्रितम्, इसलिए सूत्र तो ठीक बनाया है, बल्कि इससे इन्होंने एक अतिरिक्त बात कह दी कि ये पर्यायवाची हैं। द्रव्य गुणवाची शब्द कहो चाहे नाम कहो एक ही बात है। यतः एषाम न क्षणिको अर्थः, ततस्तेभ्य पराकांक्षा प्रधानाकांक्षा न विद्यते इति, चूंकि इनका कोई क्षणिक अर्थ नहीं है, देर तक रहता है, कर्म की तरह से क्षणिक नहीं है, देर तक रहता है, इसलिए ततस्तेभ्य, इसलिए यहां तेभ्य शब्द में चतुर्थी बहुवचन या पंचमी बहुवचन दोनों हो सकते हैं। ततस्तेभ्य पराकांक्षा, तो यहां पर जो अधिक संगत है वो चतुर्थी बहुवचन मुझे लगता है, इसलिए उनके लिए पर की आकांक्षा, पराकांक्षा को इन्होंने आगे खोला है प्रधानाकांक्षा, प्रधान की आकांक्षा। पर और अपर होता है, तो पर है वो प्रधान है, अपर है वो अप्रधान है, इस दृष्टि से तो पराकांक्षा शब्द को इन्होंने खोला प्रधानाकांक्षा। तो इनके लिए प्रधान की आकांक्षा न विद्यते, नहीं होती है, प्रधान से ये जुड़े हुए नहीं होते। नहीं शाम उत्पत्ति कर्तव्य, और इनकी उत्पत्ति भी नहीं करनी होती है। जब हम कहते हैं सोमेन यजेत,
तो वहां पर सोम की उत्पत्ति नहीं करनी होती, सोम तो द्रव्य है। सोमवता यागे न इष्टम भावेत, वहां उत्पत्ति किसकी करनी होती है, याग करते हैं और उससे इष्ट की प्राप्ति करते हैं, याग करते हैं उससे अपूर्व बनता है और अपूर्व से फल की प्राप्ति होती है, ये वहां किया जाना होता है, भावना की जानी होती है, भावेत ऐसा करे। तो द्रव्य और गुण जो साधन आदि के रूप में है वो तो पहले से वहां विद्यमान होते हैं, तो नैषाम उत्पत्ति कर्तव्य, इनकी उत्पत्ति नहीं करनी होती है, वो पहले से होते हैं। भूतत्वात् स्वे प्रयोगे स्वप्रयोग काले विद्यमानत्वात् इत्यर्थः। इनकी उत्पत्ति क्यों नहीं करनी चाहिए, तो बोले भूतत्वात्, इनके पहले से विद्यमान होने के कारण से, भूतत्व होने से इनमें। स्वे प्रयोगे, अपने प्रयोग में, इसको खोल दिया स्वे प्रयोगे के, स्वप्रयोग काले जिस समय इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस समय विद्यमानत्वात् ये विद्यमान होते हैं इत्यर्थः, ये इनका तात्पर्य, वो शब्द तो पहले से ही विद्यमान होते हैं। जो भावना है, जो किया जाने योग्य है, वो तो अभी है नहीं, वो साध्य है, अब आगे किया जाएगा, ये तो सिद्ध है पहले से, इसलिए ये भाव शब्द भाव को कहने वाले नहीं होते। पूर्व पक्षी ने कहा था पिछले सूत्र में कि सर्वेशम भावो अर्थ है, सबका भाव अर्थ है, बोले सबका भाव अर्थ नहीं है, तो कर्मवाची शब्द है, क्रियावाची शब्द है, उन्हीं का भाव अर्थ होता है, सबका नहीं होता। ये जो प्रसंग चल रहा है कि जो द्रव्यवाची और गुणवाची शब्द हैं ये भाव को कहने वाले नहीं होते, भाव को कहने वाले नहीं होते, ये अपूर्व के भी वाचक नहीं होते, बस इतना कहा गया है। नाम तो हैं ये, इनके आधार पर नाम रखा जा रहा है, लेकिन ये भाव को या अपूर्व को नहीं कहते। ये यजेता के, अगर कहते भी हैं तो यजेता के साथ जुड़ते हुए कहते हैं, अपने आप में नहीं कहते, इतना ही तात्पर्य। मुख्य केवल एक ही पद, यानी जो भाववाची क्रियावाची शब्द है वो ही अर्थ को भाव को कहेगा और अपूर्व को कहेगा, ये सिद्धांत है। और जैसा कि व्याकरण में भी, भाषा में ये माना जाता है कि वाक्य में सबसे मुख्य क्या होता है, क्रिया, आख्यात, आख्यात क्रियावाची शब्द है वो ही मुख्य माना जाता है, और बाकी जितने हैं, यानी कोई भी कारक आया, चाहे कर्ता कारक है, कर्म है, करण है, अपादान संप्रदान अधिकरण कुछ भी है, संबंधवाची शब्द है, वो सब क्रिया से जुड़ते हुए अर्थ को देते हैं, वो सब क्रिया से जुड़ते हैं, क्योंकि कारक कहते ही उसको है, जो क्रिया को सिद्ध करने वाला होता है, तो जो क्रियावाची शब्द होता है उसी को मुख्य माना जाता है। यहां देखिए दूसरे ढंग से ये बात कही गई है, कर्मकांड और ये अपने वाक्य रचना में अलग तरीके से इन्होंने क्रियावाची को सबसे मुख्य कहा है वाक्य के अंदर। और कोई, रमण जी, रणजीत जी, जी अचर जी पीछे आया था कि साकांक्षता होने से भाववचनता जानी जाती है, तो ये किस प्रकार से देख रहे हैं इसको, कि यदि साकांक्षता होगी तो भाववचनता होगी, साकांक्ष होगी तो ये भाववचन होंगे, क्योंकि यजेता के साथ में हुआ था ना, किम भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत, जी, तो ये जो भाववाची शब्द हैं, भावना तो केवल होना है, हुआना है, तो हुआना है हमें, वो भी विद्यमान नहीं है जी, तो किम भावयेत और केन भावयेत कथम भावयेत ये उसके साथ में जुड़ते हैं, तो ये इस रूप में साकांक्ष है। और स्वर्ग कामः, इनको ये भावना के साथ नहीं जोड़ रहे थे सिद्धांती, पूर्व पक्षी ने कहा है कि भाई ये भी तो भावना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्रिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां भी किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत यहां पर भी आ जाएगा। इनके साथ में स्वर्ग की कामना वाला है, मान लो कोई कहें तो ठीक है स्वर्ग की कामना वाला, ऐसा अगर कहें स्वर्ग कामः, ठीक है स्वर्ग की कामना वाला है, यजेता करेंगे तो ये साकांक्ष आएगा कि भाई किससे यजन करे, क्यों करे, कैसे करे। स्वर्ग की कामना वाला है प्रश्न करने को तो वहां भी हम कह सकते हैं, लेकिन ठीक है एक स्वर्ग की कामना वाला है कामना वाला बस। यजेता यजन करे तो वहां तो प्रश्न उठेगा ना, जहां विधि की जा रही है कि ऐसा करे, तो करे में तो प्रश्न उठेगा भाई कैसे करे, और कहें कि ये स्वर्ग की कामना वाला है तो है, ये सफेद रंग वाला है ये वस्तु, ये लाल रंग वाली है तो है। हम यूँ कहें कि रंगे तो अब आएगा कि किसको रंगे, कैसे रंगे, लेकिन कहीं सफ़ेद रंग है, ये पीला रंग है, अब ठीक है तो है, इसमें वैसी आकांक्षा नहीं है, तो जहाँ विधि आती है तो वहाँ तो कैसे प्रक्रिया होगी वो साकांक्षता बनेगी, इस तरह से इन्होंने कथन किया था। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवता ओ Oh
उससे भी कुछ अधर्म है तो वो भी।